देख रहे हैं NHI News, आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। गुंडों व हिस्ट्री शीटर बदमाशों के खिलाफ उज्जैन पुलिस की मुहिम तेज। कलेक्टर आशीष सिंह, SP मनोज कुमार सिंह, निगम आयुक्त क्षितिज सिंगल की मौजूदगी में हिस्ट्री शीटर 30 अपराध व 10,000 का इनामी कुख्यात बदमाश इमरान उर्फ बिल्ला का विराट नगर स्थित मकान दलाशाही करने पहुंची पुलिस व नगर निगम की टीम। उज्जैन पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह व कलेक्टर आशीष सिंह, निगम आयुक्त क्षितिज सिंगल की मौजूदगी में एडिशनल SP रूपेश द्विवेदी व अमरेंद्र सिंह के नेतृत्व में CSP पल्लवी शुक्ला, SDM राकेश मोहन त्रिपाठी, नगर निगम व पुलिस प्रशासन की टीम के साथ मंगलवार सुबह विराट नगर पहुंचे। विराट नगर में हिस्ट्री शीटर बदमाश इमरान उर्फ बिल्ला का अवैध मकान गिरने की कार्रवाई शुरू की गई। बदमाश इमरान पर थाना चमनगंज क्षेत्र में 30 आपराधिक प्रकरण दर्ज है, साथ ही इस पर 10,000 का इनाम भी है। इस कुख्यात बदमाश पर बलात्कार, जान से मारने का प्रयास, चाकूबाजी, जुआ सट्टा, लोगों के साथ मारपीट, रुपए छीना जैसे अपराध पंजीबद्ध हुए। जिला बदर की कार्रवाई भी की जा चुकी है। इमरान लंबे समय से फरार चल रहे हैं। यहां कार्रवाई करने के लिए तहसीलदार पूर्णिमा सिंह, CSP AK नेगी, निगम उपायुक्त सुबोध कुमार जैन, थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर, मनीष मिश्रा, राम मूर्ति शाक्य, प्रकाश वास्कले, मुनिंद्र गौतम, JR बर्डे सहित पुलिस प्रशासन व नगर निगम का अमला बड़ी संख्या में मौजूद रहा। हिस्ट्री शीटर गुंडों और बदमाशों के खिलाफ पुलिस प्रशासन की मुहिम लगातार जारी रहेगी। कलेक्टर आशीष सिंह व SP मनोज कुमार सिंह ने बताया कि गुंडों, बदमाशों व कुख्यात अपराधियों के खिलाफ मुख्यमंत्री की मंशानुसार लगातार कार्रवाई की जा रही है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अब किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को नजर आ रही है। गुंडों के प्रति लगातार कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर भूमाफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। किस प्रकार की आगे की कार्रवाई रखेगी? देखिए, मध्य प्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि जो भी माफिया है, जो भी गुंडे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय माननीय उज्जैन जिले के नाम चिन्ह गुंडे हैं, जिनका शहर में आतंक है, जिनका खिलाफ रिपोर्ट करने लोग डरते हैं, जिन्होंने अवैध संपत्ति अर्जित करी है, उनको हम लोगों ने चिन्हित किया है। उसी क्रम में आज गुंडा बिल्ला के खिलाफ हम लोग या उसकी अवैध संपत्ति, कमाई हुई संपत्ति को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। इस गुंडे के खिलाफ करीब 30 अपराध पंजीबद्ध हैं। हत्या का प्रयास, रेप, एक्सटॉर्शन, मारपीट, घर में घुसकर मारपीट करना, सारे अपराध सामने हैं। ये गुंडे के खिलाफ 10,000 का इनाम भी घोषित है और इसके खिलाफ रासुका भी दिया हुआ है। अभी पिछले मई के महीने में इसे बहुत गंभीर अपराध किया है, जिसे क्षेत्र में आतंक का माहौल बना हुआ है। तो माननीय मध्य प्रदेश शासन की मंशानुसार इसकी जो अवैध कमाई है, उस कमाई से जो इसने अर्जित संपत्ति और घर मकान विभाग बनाया है, उसको नष्ट करने का हम लोग प्रयास किए हैं, ताकि इसके आर्थिक कमर टूट सके, आगे कोई वारदात न कर सके। देखने को मिल रहा है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन मिलकर काम संयुक्त कार्रवाई कर रही है और गुंडों के प्रति लगातार अतिक्रमण को लेकर भी कार्रवाई कर रही है, क्या है कुछ खास? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, और वो अपराध चाहे वो क्राइम से संबंधित हो, चाहे चिटफंड से संबंधित हो, कॉलोनी से संबंधित हो, या फिर सहकारिता से संबंधित हो, न केवल उनके खिलाफ हम लोगों को प्रकरण दर्ज कराना है, बल्कि उनके अपराधों के पीछे जो एक इकोनॉमिक तंत्र काम करता है, जो आर्थिक तंत्र काम करता है, उसकी भी कमर पूरी तरीके से तोड़ी जाए। तो उसके लिए जितने भी इस प्रकार के लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी संपत्तियां हम लोग चिन्हांकित करेंगे। उन संपत्तियों को नष्ट करने का, रासात करने का, या जो भी उनके खिलाफ इस प्रकार की चीज़ें करके उनके आर्थिक तंत्र को हम लोग कमजोर कर सके, ऐसी कार्रवाई करी जाएगी। और इसमें चाहे पुलिस से संबंधित हो, नगर निगम से संबंधित हो, राजस्व से संबंधित हो, सहकारिता संबंधित हो, जो भी नियम लागू होंगे, सभी के तहत उन पर कार्रवाई करी जाएगी। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलिए।